ओके सो गाइस, तो थंबनेल देख के क्लिक किए हो यार, तो टेंशन मत लो। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी ऐप बताऊंगा ना यार, आप खुद ब खुद तंग हो जाओगे और बोलोगे कि हाँ यार भाई, ये जो ऐप है काफ़ी कमाल का है। सो गाइस, बोल दूँ ये जो ऐप है, ये सिंपली आपको बता दूँ कि ये आईफोन के अंदर जो है चलता है सेम इसी तरीके का एप्लीकेशन। तो आज आपको लिए एंड्रॉइड के लिए खोज के लाया हूँ, काफ़ी कमाल का सेक इफेक्ट लगता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक वीडियो प्ले कर देता हूँ डिस्प्ले पर। ये जो देख लो वीडियोज़, ये मैंने खुद ब खुद बनाया है, ठीक है, इसी ऐप के अंदर जाके मैंने बनाया था। तो ये वीडियोस आप लोग बताओ कैसा लग रहा है आप लोगों को, कितना कमाल का सेक इफेक्ट लग रहा है। और आपको चलिए नॉर्मल वीडियोस दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जो वीडियोस था, ये नॉर्मल वीडियोस है, इसमें कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंतर है और किस तरीके का यहाँ पर जो इफेक्ट लगा है यार, काफ़ी कमाल का इफेक्ट लगा है। तो ये जो ऐप है यार, काफ़ी तहलका मचा के रखा हुआ है। सबसे खास बात तो ये है यार कि ये जो ऐप है, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो इस ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। लेकिन सबसे पहले इसको यूज कैसे करना है, सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो वीडियो स्किप मत करना, कोई काम कर रहे हो यार तो साइड में रख दो, इस वीडियो को पूरा देख लो। तो चलिए फटाक से होम स्क्रीन पर चलते हैं अपने मोबाइल के और सीख लेते हैं इसको यूज कैसे करना है। ओके सो गाइस, तो देख पा रहे सिंपली भी मैं अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको जो इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, तो इस ऐप का जो डाउनलोड करने का लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, या फिर आप जाके सिंपली प्ले स्टोर पे वीवा मेकर नाम से जो है एक ऐप डाउनलोड कर लेना, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला जो ऐप है। तो सबसे पहले इस ऐप को हम सिंपली ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा आपके सामने। तो जैसे ही आप ओपन करोगे, सेम यही वाला प्रोजेक्ट आपको दिखेगा, या जो दो प्रोजेक्ट है आपको नहीं दिखेगा, सेम यही बस दिखेगा, न्यू प्रोजेक्ट और प्लस का आइकॉन। तो सिंपली आपको प्लस का आइकॉन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप प्लस का आइकॉन पे क्लिक करोगे, आपका गैलरी सिंपली से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जिस भी वीडियो को आप सेक इफेक्ट देना चाहते हैं, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लो। तो मैं चलिए एक वीडियो ले लेता हूँ देवजीत भाई का। तो एक वीडियो मैंने क्लिक कर दिया और नीचे आ जाएगा ऐड, ऐड पे सिंपली आप क्लिक करोगे, जैसे ही ये आपके फ़ोन के अंदर जो है ये खुल के आ जाएगा। देख लो कुछ इस तरीके से ये जो ऐप है आपको भी दिखेगा, ठीक है। तो अभी इसमें चलिए दिखाता हूँ आपको, इसमें शायद सेक इफेक्ट मैंने डाला है तो मैं दूसरा वीडियो लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कट करूँगा और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ से एक जो है देवजीत भाई का जो वीडियो से मैं ले लेता हूँ, ठीक है, जिसमें कि सेक इफेक्ट नहीं डाला गया है। तो जैसे कि मेरे पास ये वाला वीडियो है, तो मैं सबसे पहले वीडियोज़ को आपको प्ले कर दूँ। तो यहाँ पर देख लो ये जो म्यूट क्लिप ऑडियो, इसके ऊपर क्लिक कर दो तो इस वीडियो का जो साउंड है वो बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले वीडियोज़ को प्ले करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे देख लो कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी सेक इफेक्ट नहीं है वीडियोस के अंदर, सिंपली देख सकते हो आप कि कोई भी इफेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अब इसके अंदर हम चलेंगे, इफेक्ट डालेंगे और दिखाते हैं आपको इफेक्ट कैसे जो है यहाँ पे डालना है। तो इसको तो स्टार्टिंग पोजीशन पर लेके चले जाना है आपको, और आपको वीडियोज़ को प्ले करना है और जहाँ पर आप ट्रांजेक्शन देना चाहते हो उस पोजीशन पर जाना। तो चलिए मैं वीडियोज़ को प्ले करता हूँ, हाँ, और यहाँ पर मैं जो है ट्रांजेक्शन देना चाहूँगा थोड़ा सा और पीछे, ठीक है, कुछ मैं उस पोजीशन पर लेके जाता हूँ। तो जैसे कि मैं इस पोजीशन पे आऊँगा, तो यहाँ पे मैं सेक इफेक्ट देना चाहूँगा, तो सिंपली इस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे वीडियोस के, और ये जो स्प्लिट का बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दो तो एक जो कट है लग जाएगा। फिर वीडियोस को प्ले करो और आपको कहाँ पे आगे जहाँ पे देना है उस पार्ट को भी कट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर भी एक दे देता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे दो कट हो गए हैं, एक कट मैं और दूंगा लास्ट में, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, ठीक है, थोड़ा सा और पीछे, हाँ यहीं पे दूंगा थोड़ा सा और पीछे, हाँ इस पोजीशन पे देने वाला हूँ। तो सिंपली वीडियो के लेयर के ऊपर क्लिक करो और स्प्लिट कर दो, एक कट और लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कट वाला प्रोसेस तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यार जरूर से कमेंट में बताना कि कैसा आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं, और लाइक कर देना वीडियो पसंद आए। तो अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाला पार्ट आपको छोड़ देना है, ठीक है, सेकंड वाले पार्ट के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि कुछ इस तरीके से खुलेगा। फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो फोर्थ वाला दिख रहा है एनिमेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो इन है इन वाले पे क्लिक करना है। तो आपके सामने देख लो यहाँ पे ट्रांजेक्शन, कितने सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे देख लो शो हो रहे हैं, आप खुद ब खुद देख लो बहुत सारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन शो हो रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने थंबनेल के ऊपर भी दिखा दिया था। तो चलिए मैं एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे यूज करता हूँ, तो मैं बताता हूँ आपको कि कौन सा जो ट्रांजेक्शन काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन तो सारे अच्छे हैं, तो चलिए मैं जैसे कि इस वाले ट्रांजेक्शन को यहाँ पे यूज करूँगा, ठीक है, ये चलिए मैं इस वाले को करता हूँ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो ट्रांजेक्शन काम किया है, अभी फिर से एक बार क्लिक करके दिखाऊँ, ये देखो ट्रांजेक्शन काम कर रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला डेजुरेशन, इसको अगर आप पढ़ाओगे ना यार, तो आपका जो इफेक्ट है और वीडियोस तक रहेगा और काफ़ी कमाल लगेगा। तो चलिए थोड़ा सा बढ़ाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो आपको हिल ये जो है ऊपर की तरफ आएगा, देखो, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको अपने वीडियोस के अंदर दो यार, काफ़ी कमाल का लगेगा वीडियोस। यहाँ पर मैंने एक इफेक्ट आपके सामने दिया, अब यहाँ पर डन पे क्लिक करें तो एक इफेक्ट तो हमारे वीडियोस पे आ चुका है। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे सिंपली, और फिर से इस एनिमे इन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाके एक कोई सा और जो है इफेक्ट हम यहाँ पे
यूज कर लेते हैं। तो चलिए मैं एक इफेक्ट जो है और यहाँ पे यूज करूँगा, तो मैं फिलहाल इस बार जो है इस वाले को यूज करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको यूज करूँगा, देखते हैं कैसा लगता है। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं दूसरा देखता हूँ, ठीक है। ये वाला ठीक लग रहा है तो इसका जो ये वाला जो है पोजीशन इसको हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तब देखते हैं, काफ़ी कमाल लग रहा है यार, गजब का ये एफ है, ठीक है। तो इसको भी डन किया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वाला बचा है लास्ट वाला, इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन पे जाएंगे और यहाँ पे फिर से एक कोई सा भी एनिमेशन लगा देते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा आपको यार तो लाइक ज़रूर से करना यार, काफ़ी कमाल का एफ है यार। मैंने जैसे पहले भी बोल दिया था कि ये जो एफ है काफ़ी कमाल होने वाला है, तो मैं यहाँ पे ये वाला ट्रांजेक्शन यूज करूँगा, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है पूरे वीडियोज़ तक दे देता हूँ, ठीक है। या क्या कमाल लग रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं वीडियोस हमारा किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग पोजीशन में जाएंगे और साउंड के साथ बजाएंगे इसको। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसका साउंड जो है चालू कर लेता हूँ और वीडियोस को प्ले करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। क्या कमाल का वीडियोस बन चुका है आपके सामने। तो इसमें बहुत सारे मतलब कि ट्यूटोरियल इस वीडियोस के अंदर काफ़ी इस ऐप के अंदर कमाल कमाल के सिस्टम है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो इसके ऊपर मैं फुल ट्यूटोरियल बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करते हो तो, ठीक है। तो वीडियोस कंप्लीट हो जाए तो आपको ये जो डॉट दिख रहा है या तीर वाला, इसके ऊपर क्लिक कर दो, सिंपली आपके गैलरी में ये जो वीडियोस है सेव हो जाएगा, फिर आप अपने टिकटॉक के आईडी पे अपलोड कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।